A very good morning to all of you dear students. Welcome to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and I am your English subject teacher of standard 4th. Students, in previous sessions we learn unit 1 to 4. All right? Lesson number 1, the naughty dog. Lesson number 2, mice. Lesson number 3, the kind-hearted king. And lesson number 4, the Mecca. So today we are going to learn the worksheet number 1 on page number 38. All right? So here our first question is, fill in the blanks using appropriate words from the box. Okay? Look over the book. Fill in the blanks using appropriate words from the box. See here, life, ill, plant, them and hurt are words. Okay? So in सभी वर्ड्स को ये जो ब्लैंक्स दी गई है यहाँ पर 3 ए बी एंड सी वो वर्ड यहाँ पर कहाँ पर यूज होते हैं उसे आपको फाइंड करके ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, सो आवर फर्स्ट ब्लैंक इज द ओल्ड मैन कुड नॉट मूव आउट ऑफ हिज बेड बिकॉज ही वॉज. ओके, जो ओल्ड मैन था वो अपने बेड से बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था क्योंकि वो क्या था. देखिए आप यहाँ पर आपके ऑप्शंस लाइफ, इल, प्लांट, धैम या फिर हर्ट. सो द आंसर इज इल. वो बहुत ही बीमार था. ओके, वो बहुत ही बीमार था इसीलिए वो अपने बेड से हिल सकता नहीं था. सेकंड ब्लैंक द ओल्ड वुमन लव्ड हर ब्लैंक मोर देन हर ब्लैंक. जो बूढ़ी औरत थी उसे अपनी किससे कितना ज़्यादा प्यार था. सो हमने देख लिया था कौन से लेसन में हमारे द किंग हार्टेड किंग में एक ओल्ड वुमन की स्टोरी थी. ठीक है, जब राजा का जो मिनिस्टर है वो उससे कुछ मांगने के लिए जाता है तो वो क्या मांगने के लिए जाता है कि भाई तुम्हारी ये जो हर्ट है वो हमें दे दो, बदले में आप जो चाहे वो कीमत हमसे ले सकते हो. लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी उसे अपनी हर्ट अपने लाइफ से भी ज़्यादा प्यारी थी. ओके, सो द आंसर इज द ओल्ड वुमन लव्ड हर हर्ट मोर देन हर लाइफ. ओके, नाउ सी थिमक्का एंड चिकेया कलेक्टेड सीड्स ऑफ द पीपल ट्री टू लाइफ, इल, प्लांट, धैम और हर्ट. सो इसके अंदर क्या आएगा, वो दोनों चिकेया और थिमक्का पीपल ट्री के सीड्स क्यों कलेक्ट कर रहे थे, उनको प्लांट करने के लिए. क्या करने के लिए, प्लांट करने के लिए. ऑल राइट, सो अवर क्वेश्चन वन इज ओवर. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको सही या गलत, ये जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं उसे सही है या गलत ये आपको बताना है. ठीक है, ए द कॉफी शॉप ओनर वॉज प्लीज. द कॉफी शॉप ओनर वॉज प्लीज विद द डॉग. वेदर दिस सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स. यस, दिस इज ट्रू, क्योंकि कॉफ़ी शॉप का जो ओनर था वो डॉग की विजडम है उससे क्या हुआ था, खुश हुआ था. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ बी द काइंड हार्टेड किंग डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अवे द हर्ट फ्रॉम द ओल्ड लेडी. द काइंड हार्टेड किंग, हु वॉज द काइंड हार्टेड किंग. राजा विक्रमादित्य, राइट. द किंग विक्रमादित्य वॉज वेरी काइंड हार्टेड, सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अवे हर हर्ट फ्रॉम द ओल्ड लेडी. सो दिस सेंटेंस इज ट्रूली करेक्ट. ओके, नाउ थर्ड, थिमक्का लिव्स अलोन नाउ बिकॉज हिज हर हस्बैंड वॉज डाइड. सो थिमक्का लिव्स अलोन नाउ, सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हियर क्वेश्चन नंबर ए इज व्हाट डिड द नॉटी डॉग डू विद द मनी टू द ओल्ड मैन गिव हिम टू बाय अ न्यूज़पेपर एवरी डे.
ये जो नोटी डॉग था वो जो ओल्ड मैन उसे न्यूज़पेपर बाय करने के लिए जो मनी देता था उसका क्या करता था. एंड द आंसर इज द नोटी डॉग यूज द मनी टू बाय बर्न फॉर हिमसेल्फ एवरी डे इंस्टेड ऑफ अ न्यूज़पेपर. नोटी डॉग क्या करता था, वो जो ओल्ड मैन था वो न्यूज़पेपर बाय करने के लिए उनको जो नोटी डॉग को जो पैसे देता था उससे वो नोटी डॉग अपना बन खरीद लेता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर बी, डिड द किंग फील दैट द हर्ट विल स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द पैलेस. हाउ डू यू नो, क्या ये किंग सोचता था कि वो जो हर्ट है वो पैलेस की ब्यूटी को स्पॉइल करती थी यानी कि बिगड़ देती थी. हाउ डू यू नो, आपको ऐसा कैसे पता चला. क्या क्वेश्चन मीन्स, क्या किंग ऐसा सोचता था कि ये जो हर्ट है वो पैलेस की ब्यूटी को स्पॉइल करेंगी. आपने ये कैसे जाना, अगर हाँ तो हाँ और अगर ना तो ना, और ये हाँ या ना है ये आपने कैसे जाना इज द क्वेश्चन. ओके. एंड द आंसर इज द किंग डिड नॉट फील दैट द हर्ट वुड स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द पैलेस, रादर ही फेल्ट दैट इट वुड ऐड ब्यूटी टू इट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम what seemed ugly to others might be precious to someone else. नहीं, राजा ऐसा नहीं सोचता था कि ये जो हर्ट है वो पैलेस की ब्यूटी को स्पॉइल करेंगी बिकॉज जो चीज़ हमें अगली लगती हो, माना कि कोई चीज़ हमें अगली लग सकती हो लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमें गंदा लगे वो औरों को भी गंदा लगेगा. ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें नहीं अच्छा लगता वो किसी और को अच्छा लगता हो. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज, व्हाट इज़ द वन थिंग यू मस्ट डू आफ्टर प्लांटिंग अ सैपलिंग. ठीक है. वो कौन सी चीज़ है जो आपको प्लांट को या फिर सैपलिंग को प्लांट करने के बाद ध्यान में रखनी चाहिए. एंड द आंसर इज, आफ्टर प्लांटिंग अ सैपलिंग यू हैव टू वाटर इट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग डैमेज बाय एनिमल्स और पीपल. ऐसा नहीं है कि चलो बीज को बो दिया और छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है. उसको प्लांट करने के बाद हमें उसकी केयर भी करनी चाहिए, किससे, जिससे कि एनिमल्स या फिर पीपल उस सैपलिंग को नुकसान ना पहुंचा सके. ठीक है. राइट द आंसर इन योर बुक्स. क्वेश्चन नंबर फोर, रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग सूटेबल सुफिक्सेस. सुफिक्सेस यानी कि वर्ड के पीछे कुछ और वर्ड ऐड कर देने से वर्ड का जो मीनिंग और वर्ड का जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, सुफिक्सेस. ओके. सो आपको यहाँ पर ए टू डी जो वर्ड्स दिए गए हैं, काइंड, ट्रूथ, हैप्पी एंड एग्जाम, उनके पीछे अप्रोप्रिएट सुफिक्स ऐड करके आपको न्यू वर्ड क्रिएट करने हैं. ठीक है. जिसका मीनिंग हो जो ट्रस्टवर्थी हो, जिसका मीनिंग एग्जैक्टली हो. ठीक है. सो पहले देखिए यहाँ पर काइंड कौन सा वर्ड है, काइंड. तो काइंड के पीछे हम कौन सा सुफिक्स ऐड करेंगे, एनी डबल एस, काइंडनेस. काइंड यानी के मर्सी, दया, और काइंडनेस यानी के दया दिखाना. ठीक है. सो ये एक मीनिंगफुल वर्ड हुआ. नाउ ट्रूथ, ट्रूथ यानी के सच, और इसके पीछे हम कौन सा सुफिक्स ऐड करेंगे, ट्रूथफुल. ऑलराइट. नाउ हैप्पी, सो इसके पीछे हैप्पीनेस. नाउ एग्जाम, एग्जामिनेशन. सो ये हो गए हमारे सुफिक्सेस क्वेश्चन नंबर फोर के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, यूज appropriate क्वान्टिफायर्स विद द फॉलोइंग अनकाउंटेबल नाउन्स. देखिए यहाँ पर नीचे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स दिए गए हैं, सुगर, ऑयल, सैंड एंड हेयर. ठीक है. सो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके क्वान्टिफायर्स कौन से हैं, इन सारे, इन चारों अनकाउंटेबल नाउन्स के क्वान्टिफायर यानी कि उनको नापने के लिए क्या यूज़ होता है, परिमाण, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण, उनके लिए कौन से क्वान्टिफायर्स का यूज़ होता है ये आपको
ढूंढना है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क में है. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब्स विच आउट फॉर टेंस फॉर्म. ओके, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दी गई है ए टू डी और उनके लिए ब्रैकेट में दो वर्ड्स दिए गए हैं अलग अलग टेंसेस के. ठीक है, सो आपको क्वेश्चन को रीड करके ये पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो ब्लैंक है, वो कौन से टेंस की है और बाद में उसके अंदर एप्रोप्रिएट वर्ब फिल करना है. ठीक है, द फर्स्ट इज ए रानी ब्लैंक अप एवरी रानी ब्लैंक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, सो हमें पता है कि हम जो क्रिया हर रोज करते हैं, रिपीट एंड रिपीट करते हैं, और वो जो ऑलवेज के लिए है, वो ऑलवेज कौन से टेंस में होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, सो यहाँ पर रानी थर्ड पर्सन है. ठीक है, तो ऑलवेज थर्ड पर्सन के साथ में जो भी वर्ब होता है उसको क्या लगता है? एस लगता है. सो आंसर इज वैक्स. रानी ब्लिंक अप एवरी अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. रानी हर रोज सुबह को जल्दी उठती है. वैक्स यानी के उठना. ऑलराइट, बी आई ब्लिंक टी एंड नॉट कॉफी. देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. आई ब्लैंक टी एंड नॉट कॉफ़ी, तो क्या आएगा? लाइक या फिर लाइक्स. मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं लगता. ठीक है, सो वी यूज़ लाइक फॉर दिस सेंटेंस. आई डोंट लाइक टी एंड कॉफ़ी. नाउ नेक्स्ट, राजू ब्लैंक अ लेटर टू मी अ लॉन्ग अगो. राजू ने मुझे कुछ टाइम पहले एक लेटर लिखा था. सो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस. कौन सा हुआ? पास्ट टेंस. सो हियर राइट आएगा या फिर रोड? राइट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, तो क्या आएगा उसका? रोड. ओके, नेक्स्ट, मदर ब्लैंक टू द मार्केट यस्टरडे. ऑब्वियसली यस्टरडे वर्ड यूज हुआ है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस. ठीक है, सो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? वेंट या फिर गो? वेंट. क्या आएगा? वेंट, क्योंकि गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट. ओके, सो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 आपके होमवर्क में है और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके होमवर्क में है. मैं बताती हूँ क्यों. क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट फूड. आपको आपके फेवरेट फूड के लिए, अभी आप सभी का फेवरेट फूड तो अलग अलग ही होगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपके फेवरेट फूड के बारे में आपको लिखना है. और क्या लिखना है? देखिए यहाँ पर मेंशन द फॉलोइंग, उसके अंदर आपको क्या लिखना है? व्हाट इज इट? पहले तो आपका फेवरेट फूड क्या है वो आपको लिखना है. देन व्हाट गोज इन टू ईट, उसके अंदर क्या क्या होता है फेवरेट फूड के अंदर, वो आपको लिखना है. उसका टेस्ट कैसा है वो आपको लिखना है. उसका कलर कैसा है वो आपको लिखना है. एंड व्हाई यू लाइक इट, और वो आपको क्यों अच्छा लगता है, ये आपको लिखना है. सो टुडेज योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड अवर वर्कशीट नंबर 1. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट यूनिट. इफ आई न्यू, ये एक पोएम है. यूनिट नंबर 5, ये एक पोएम है, इफ आई न्यू. ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं ऑन पेज नंबर 39. ठीक है, ओपन योर बुक एंड फाइंड द पेज नंबर 39, पोएम नंबर 5, इफ आई न्यू. यानी कि इसका मतलब है, इफ आई न्यू मीन्स अगर मुझे पता होता. न्यू मीन्स जानना, अगर मुझे पता होता. लुक ओवर द येलो बुक्स ऑन पेज नंबर 39, देर आर टू बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ यू. वन ऑन वन इट इज रिटन हैप्पी एंड ऑन द अदर सेड यू आर आस्क्ड टू पिक वन. विच वन वुड यू पिक, वाई? देखिए यहाँ पर दो बॉक्सेस दिए गए हैं. ठीक है, एक के अंदर एक हैप्पी स्माइलिंग वाला फेस है और दूसरे के अंदर एक सैड टोन फेस है. ठीक है,
सो अगर आपको पता बताया जाए कि आपको उन दोनों में से क्या रखना है तो आप क्या रखेंगे और क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अभी मैं ही बता देती हूँ। ऑब्वियसली अगर हमारे सामने दो चीज़ें पड़ी हो, एक के अंदर खुशियाँ हो और एक के अंदर सैडनेस हो, तो हम खुशियाँ ही रखेंगे, खुशियों वाला बॉक्स ही रखेंगे, क्योंकि हम में से हर किसी को, हम सबको हैप्पीनेस पसंद है, ठीक है। खुश रहना अच्छा लगता है, स्माइलिंग फेसेस अच्छे लगते हैं। किसी को दुखी होना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। सो हम क्या रखेंगे? हैप्पी वाला बॉक्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिसाइट द होल पोएम, ओके, ठीक है। यू हैव टू लिसन ऑल द स्टेंजास केयरफुली, ठीक है, एंड यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, ऑलराइट। Now I am going to recite the oldest stanza one by one. If I knew the box where smiles were kept, no matter how large the key or strong the bolt, I would try so hard it would open, I know for me, then over the land and sea broadcast, I had scattered the smiles to play that the children's faces might hold them fast for many and many a day. Page number 40. If I knew a box that was large enough to hold all the fronds I meet, I would gather them, everyone, from nursery, school and street, then folding and holding, I would pack them in and turn the monster key and hire a giant to drop the box to the depths of the deep, deep sea. Again, I am reciting the poem. You have to listen it carefully. If I knew the box where smiles were kept, no matter how large the key or strong the bolt, I would try so hard it would open, I know for me, then over the land and sea broadcast, I would scatter the smiles to play that the children's faces might hold them fast for many and many a day. If I knew a box that was large enough to hold all the fronds I meet, I would gather them, everyone, from nursery, school and street. Then folding and holding, I would pack them in and turn the monster key and hire a giant to drop the box to the depths of the deep, deep sea. And the poet of this poem was anonymous. Anonymous means what? ये किसी poet का नाम नहीं है, बल्कि जो poems किसी अज्ञात व्यक्ति ने लिखी हो, यानी कि जिसका poet पता ना हो, ठीक है, उस poem के नीचे क्या लिखा जाता है? एनोनिमस, यानी कि इस पोएम का जो पोएट है वो अपनी पहचान बताना नहीं चाहता कि हाँ भाई मैंने ये पोएम लिखी है, ठीक है, तब उसके पीछे ये नाउन एनोनिमस लगता है, जब हमें उसके पोएट के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। सो आई ऑलरेडी रिसाइट ऑल द पोएम, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द स्टेंजास वन बाई वन, ओके। सो फर्स्ट, इफ आई न्यू द बॉक्स वेयर स्माइल्स वेयर केप्ट, नो मैटर हाउ लार्ज द की, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कोई बॉक्स है जिसके अंदर स्माइल्स, ओके, स्माइल्स, हियर स्माइल्स मीन्स खुशियाँ, ओके, खुशियाँ रखी गई है, सो नो मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बॉक्स की जो की है वो कितनी लार्ज, यानी कि कितनी बड़ी है, और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, और उसका जो, यहाँ पर बोल्ट मीन्स लॉक, और उसका जो लॉक है वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आई वुड ट्राई सो हार्ड, मैं बहुत ही ट्राई हार्ड करता, यानी कि मैं बहुत ही प्रयास करता, एकदम हार्डली, इट वुड ओपन, कि वो खुल जाए, आई नो
फोर में मुझे मेरे बारे में पता है कि मैं अच्छे से ट्राई करता कि वो लॉक खुल जाए, ठीक है। देन ओवर द लैंड एंड सी ब्रॉडकास्ट आई हैड स्केटर्ड द स्माइल्स टू प्ले। मैं पहले वो स्माइल्स इकट्ठे कर लेता एंड देन मैं क्या करता, ओवर द सी एंड लैंड ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट करना यानी कि फैलाना। जैसे कि आपको पता है कि हम अगर टीवी में न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है या फिर न्यूज़ रिपोर्टर होता है, वो कुछ बोलता है टीवी के अंदर, ठीक है, न्यूज़ देता है, और हम सब घर पर बैठकर, सिर्फ हम ही नहीं पूरी दुनिया में, देश में, हमारे जिले में, गांव में, सब लोग ये सुनते हैं, ठीक है, कि उसने क्या कहा, उसने ब्रॉडकास्ट किया। उसे क्या कहा जाता है कि उसने ब्रॉडकास्ट किया जो कई लोगों ने सुना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, ये जो पोएम है, वो एक किड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है कि एक किड, ये किड का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होता है कि वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि कोई एक ऐसा बॉक्स है कि जिसके अंदर ढेर सारी खुशियाँ रखी गई है, ढेर सारी स्माइलीज रखी गई है, तो नो मैटर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े की क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ताला क्यों ना हो, मैं, मुझे पता है अपने आप के बारे में कि मैं कुछ भी करके, कोई भी मेहनत करके उसको खोल लेता और फिर क्या करता, वो सारी खुशियाँ निकल कर लैंड और ओवर द सी, लैंड और समंदर में वो सारी खुशियाँ स्केटर यानी कि बिखेर देता, यहाँ वहाँ बिखेर देता। That the children's faces might hold them fast. और मुझे पता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके जो फेसेस है वो उसे फास्टली होल्ड कर लेते, जो स्माइल्स मैंने ओवर द लैंड एंड ओवर द सी स्केटर कर दी है, उसको जो चिल्ड्रंस के जो फेसेस है वो उसे एकदम से ही होल्डिंग देम फास्ट, वो उसे एकदम झड़प से कैप्चर कर लेते। फॉर मैनी एंड मैनी डे, बहुत दिनों के लिए उनको होल्ड कर लेते, कौन, चिल्ड्रंस के फेसेस, ऑल राइट। इफ़ आई न्यू अ बॉक्स दैट वॉज लार्ज इनफ टू होल्ड, अगर मुझे ऐसा लगता कि कोई ऐसा बॉक्स है जो लार्ज इनफ यानी कि बहुत बड़ा है, फ्रॉन्स यानी कि अगर दूसरा कोई ऐसा बॉक्स होता कि जो बहुत बड़ा है और उसके अंदर फ्रॉन्स, ऑल राइट, यानी कि ऐसा फेस कि जो दुखी हो, इन शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज फ्रॉन्स यानी कि दुखी फेस। जैसे जब हम दुखी होते हैं तब हमारा फेस ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे फेसेस, ऐसे स्माइलीज वाला अगर कोई बॉक्स होता जिसके बारे में मुझे पता होता, आई वुड गैदर देम एवरी वन, मैं वहाँ पर जाता और उस बॉक्स के अंदर जो भी दुख है, ठीक है, जो भी अनप्लेजेंट फीलिंग है, उसको गैदर कर लेता यानी कि इकट्ठा कर लेता। एंड देन फ्रॉम नर्सरी स्कूल एंड स्ट्रीट, ठीक है, मुझे पता होता कि अगर ऐसा कोई बॉक्स है कि जिनके अंदर अनहैप्पी स्माइलीज या फिर अनप्लेजेंट थिंग्स रखी हुई है, तो मैं उन सबको कलेक्ट कर लेता और उन सबको मैं कहाँ कहाँ से, फ्रॉम नर्सरी स्कूल एंड स्ट्रीट। देखिए, फ्रॉम नर्सरी स्कूल, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं और जो स्ट्रीट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी जगह से मैं उनको कलेक्ट कर लेता एंड पैक देम इन, और उनको पैक कर लेता। एंड टर्न द मॉन्स्टर की, और उनको एक मॉन्स्टर की से ताला लगा देता। क्या करता, एक मॉन्स्टर की से उनमें ताला लगा देता। एंड हायर अ जायंट टू ड्रॉप द बॉक्स, एंड हायर अ जायंट, हायर करना यानी कि किसी को अपनी हेल्प के लिए रखना। फिर मैं क्या करता कि एक जायंट को हायर करता कि तुम इस बॉक्स की निगरानी रखो, ठीक है। एंड उस बॉक्स का मैं क्या करता, टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी, और उस बॉक्स के अंदर वो सारी अनहैप्पी फीलिंग्स को मैं रख देता और फिर एक जायंट यानी कि एक राक्षस को हायर करता, क्योंकि अगर ऐसी बुरी चीज़ें हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल तो एक बुरा इंसान ही कर सकता है, ठीक है, एक जायंट जो राक्षस है वही उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो उनको मैं उस बड़े से बक्से में कैद कर लेता, किसको, वो सारी अनहैप्पी फीलिंग्स को, और फिर उसको एक मोशन की से ताला लगा देता, एक जायंट को हायर कर देता और उसको टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी, समंदर की गहराई के अंदर उसको
छोड़ देता, किसको, उस बॉक्स को, एक जायंट को हायर करके, ताकि वो रक्षा कर सके उस बॉक्स की, कि उसमें से कोई भी अनहैप्पी फीलिंग बाहर ना आ सके, ठीक है। और ये जो पोएम है यहाँ पर फिनिश होती है, और उसका जो पोएट है वो कौन है, एनोनिमस, यानी कि एक अज्ञात व्यक्ति, ठीक है। सो बच्चों, हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सी फीलिंग एक किड की रिप्रेजेंट की गई है, कि वो ऐसा चाहता है कि हर जगह पर, समाज में, दुनिया में, हर जगह पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, अगर और कहीं पर भी कोई भी थोड़ा सा भी गम है तो वो उसे लेकर एक बॉक्स के अंदर बंद करके समंदर की गहराई में डाल देना चाहता है, ठीक है। सो हम आज तो यहीं तक रखते हैं। इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न द ग्लोसरी वर्ड एंड हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस पोएम, एंड ऑल्सो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज इन अवर नेक्स्ट सेशन, ऑलराइट। सो आज का होमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, क्वेश्चन वर्कशीट में से, वर्कशीट नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप करना है, ठीक है। सो स्टे हैंड, स्टे सेफ एंड गुड बाय।